हेलो दोस्तों, लाइव वर्ड में वैसे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे जो प्रीवियस वीडियो था वो था बोया के BY M1 कॉलर माइक के बारे में। तो मैं उस वीडियो में बताया था कि कैसे आप उसको PC और लैपटॉप के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इस मेरे केस में मैं यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप लेनोवो का है, जिसका मॉडल नंबर है IdeaPad 305। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ कमटेसिया स्टूडियो 9 की रिकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चालू है और मेरी वॉइस को यहाँ पे शो भी कर रहा है कि कितने तक। तो सबसे पहले आप अपने माइक को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देख लेते हैं। तो अपने माइक को अपने लैपटॉप के साथ इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे साउंड के राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे साउंड पे जाइएगा। साउंड पे जाने के बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्पीच रिकॉग्निशन पे जा सकते हैं, या डायरेक्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आप इसके इस लेवल पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल जाता है कॉन्फ़िगर का एक ऑप्शन। कॉन्फ़िगर पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे सेटअप आप माइक्रोफोन पे क्लिक करके आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो भी आपका रहेगा उसके साथ माइक्रोफोन, और उसको आप उसका सेटअप कर सकते हैं। तो सब उसका सेटअप करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप माइक्रोफोन या जो भी आपका जिस तरह का जिस कैटेगरी का आपका माइक्रोफोन रहेगा उसको यूज़ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे आपको कुछ देर तक उसको बोलना होगा ताकि ये ऑडियो का लेवल है जो उसको कंप्लीट कर सके। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर कन्फिगर हो जाएगा तो आपका फिनिश हो जाएगा। अगर नहीं फिनिश होगा तो यहाँ पे फिर उसको दे देगा कि क्या इरर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि म्यूट है, तो मैं इसको एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ इसलिए दोबारा इसको नहीं दे रहा है। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगर है इसके साथ इसलिए इस तरह दे रहा है। तो सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो कमटेसिया स्टूडियो 9 में आप यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका लेवल दिया गया है, आप लेवल यहाँ सेट कर सकते हैं। और सिस्टम रिकॉर्डिंग अगर यूज़ करना चाहते हैं सिस्टम की ऑडियो, जिसको चेक मार कर दीजिएगा और यहाँ से आप चूज़ करिएगा कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे माइक्रोफोन दिया है, अगर दूसरा कोई ऐड किए हैं तो यहाँ पे शो करता रहेगा। तो हम इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके साथ ही कुछ सेटिंग्स यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे साउंड में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये मिल जा रहा है साउंड। साउंड पे जाने के बाद रिकॉर्डिंग में जाइएगा। रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका कन्फिगर है। तो मेरा ये कन्फिगर है, तो ये ऊपर सिर्फ यहाँ पे चेक मार्क दे रहा है। उसके साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाके इस कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। इसके लेवल को आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं और लिसन करके आप इसको लिसन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको सब सेट कर गया हूँ। तो यहाँ पे इन्हेंसमेंट में जाने के बाद डिसेबल ऑल साउंड इफेक्ट भी क्लिक कर दीजिएगा, तो बाकी जो नॉइस आती है वो आपकी नहीं आएगी। और एडवांस में जैसा है वैसे ही रहने दीजिएगा, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट सही रहता है। इसके बाद जनरल में आप जैसे देखते हैं इसका आइकान चाहे तो चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ड्राइव, तो यहाँ पे जो ड्राइव है इसको रहने दीजिएगा। ओके पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने रिकॉर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी। इस तरह से आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके साथ ही अपने ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, एक है आपका साइबरलिंक पावर डायरेक्टर का, तो इसको मैंने शो करने के लिए मैंने इसको यूज़ किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।